गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी ने टेंस जैसा टॉपिक सभी ने सुना होगा और आई थिंक सभी जानते होंगे। टेंस इज़ वेरी यूजफुल टू लर्न इंग्लिश, टू कम्युनिकेट एनीवन इन इंग्लिश लैंग्वेज। एंड सेम एज अ पर्पस टुडे आई वुड लाइक टू स्टार्ट योर सो यूजफुल टॉपिक टेंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा टेंस टॉपिक। टेंस टॉपिक किसी भी स्टूडेंट से अगर मैं कंसल्ट करूं तो शायद सब यही सोचते होंगे बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आराम से कर लेंगे। टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स से भी कंसल्ट जब किया जाता है तो सबकी यही थिंकिंग होती है कि मैम क्या है, इज एम आर यूज़ करना है, वॉज वर है, इज एम आर यूज़ कर लेंगे प्रेजेंट में, वॉज वर यूज़ कर लेंगे पास्ट में, और विल और शैल का यूज़ हो जाएगा फ्यूचर में। बट रियलिटी ये है कि एक कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनर भी, एस्पायरेंट पर्सन्स भी बेसिक नॉलेज नहीं रखते, उनको भी टेंस की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। इवन अगर उनको ये बोल दिया जाता है कि 300 टू 400 वर्ड्स में आप एक स्टोरी राइटिंग लिखिए या फिर ऐसे राइटिंग लिखिए, तो शायद ऐसे स्टूडेंट्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्कूलिंग स्टूडेंट्स की तो बात ही अलग है। तो बेटा आज ऐसे ही टॉपिक को हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और शायद ये टॉपिक आपके लिए यूज़फुल ही नहीं, आपकी आगे की स्टडी के लिए भी, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और इवन मैं तो ये कहूँगी कि एक छोटी से छोटी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट और बड़ी से बड़ी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को नॉलेज होने चाहिए। मुझे लगता है एक IAS जो पर्सन है, UPSC की जो प्रिपरेशन कर रहा है, उस पर्सन को भी टेंस की जो डीप, अगर डीप नॉलेज नहीं है तो वो ICS का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता, वो CA का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता। रीज़न इज़ दैट इफ़ यू हैव नो नॉलेज अबाउट दैट द ट्रांसलेट ऑफ एनी सेंटेंस, देन आई थिंक सो ही एंड शी कांट एनीथिंग एल्स बेटा। दैट्स व्हाई आई स्टार्ट दिस चैप्टर। थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट लेकर चलना, बायलिंगुअल लैंग्वेज में समझाऊंगी आपको, जिस टाइप की लैंग्वेज बड़े अच्छे से समझ में आए उस लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। सिर्फ इतना समझ कर चलना मेरा वे ऑफ टॉकिंग क्या है, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है और वे ऑफ पर्पस क्या है। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पस यही है कि हर एक स्टूडेंट जिसको मैं कोई भी टॉपिक समझाऊँ वो ब्रीफली उस टॉपिक को ना समझ कर डीपली उस टॉपिक को समझे। रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, इवन हम्बली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, सजेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, जानिए आखिर इस टॉपिक में है क्या। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। टेंस एक फॉर्म है वर्ब की विच शोज द टाइम, जो क्या करती है बेटा, शो करती है टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए टेंस का यूज़ किया जाता है। यानी टेंस है क्या, टेंस एक फॉर्म ऑफ द वर्ब है विच शो द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन एंड इवेंट, किसी भी इवेंट को, किसी भी एक्शन को और उसके टाइम को शो करने के लिए, उसकी स्टेट, उसकी कंडीशन को शो करने के लिए जो वर्ब हम यूज़ करते हैं बेटा उसको क्या बोलते हैं, टेंस। वो क्या होती है हमारी टेंस, ठीक है। टेंस क्या है, टेंस इज दैट अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। टेंस क्या है बेटा, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शो द टाइम, जो शो करती है किसको, टाइम को, एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। क्या रीज़न है कि मैंने यहाँ लिखा स्टेट ऑफ एन एक्शन। हम बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, आई विल गो टू द मार्केट। थ्री सेंटेंसेज हम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट में यूज़ कर रहे हैं आई गो टू द मार्केट, सेकेंड में बोल रहे हैं आई वेंट टू द मार्केट, नेक्स्ट में बोल रहे हैं आई विल गो टू द मार्केट। तीनों में टाइम तो शो हो रहा है बट एक सेंटेंस में आपको बोलती हूँ यू आर सो इंटेलिजेंट पर्सन, बताइए मुझे यहाँ किस टाइप का टाइम शो हो रहा है। यहाँ टाइम शो नहीं हो रहा, यहाँ किस चीज़ को शो किया जा रहा है, स्टेट ऑफ एन कंडीशन, स्टेट ऑफ एन एक्शन। यहाँ एक सिचुएशन को क्लियर किया जा रहा है, उस पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। तो टेंस क्या है, टेंस एक फॉर्म है, एक ऐसी फॉर्म है जो शो करती है टाइम को, स्टेट ऑफ एन इवेंट, स्टेट ऑफ एन एक्शन को। ओके बेटा, सिंपल सी लैंग्वेज में कोशिश की है मैंने आपको समझाने की, ज़रा उस चीज़ को समझना। टू स्पेसिफाई ऑफ एन एक्शन वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। एक्शन को समझते हुए हमने टेंस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है,
कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या सोचते हुए? एक्शन, एक्शन किस किस टाइप के हो सकते हैं? फ्यूचर में हो सकते हैं, पास्ट में हो सकते हैं, प्रेजेंट में हो सकते हैं। मुझे पता है बेटा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है, पास्ट में हम वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं। आगे समझाऊंगी, बट अभी जो समझा रही हूँ उसे डीपली समझो, सोच समझ कर समझो कि क्या बोला जा रहा है। टू स्पेसिफाई ऑफ एन एक्शन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंस। एक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, एक्शन को मेजर करने के लिए हम टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है बेटा प्रेजेंट, सेकंड है पास्ट और थर्ड है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ओके। देयर आर 4 सब पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। ये तीनों के तीनों जो टेंस हैं, इन सभी के बेटा 4 पार्ट्स हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के 4 पार्ट्स हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट्स हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के 4 पार्ट्स हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट्स हैं। अब आपसे पूछूं, व्हाट डू यू मीन बाय अ टेंस? मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो टाइम टेंस को क्या कहेंगे? टेंस मींस दैट द टाइम ऑफ एक्शन। बट मैं ये कहती हूँ दैट इज नॉट अ सिंगल वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर टेंस, कि एक सिंगल वर्ड नहीं है जिसके लिए आप सिर्फ टेंस की डेफिनेशन बता देंगे। आपको ये चीज़ क्लियर करनी होगी, टाइम शोज अ वर्ब ऑफ एक्शन एज वेल एज स्टेट ऑफ एन एक्शन एंड इवेंट। किसी भी इवेंट को शो करने के लिए, किसी भी एक्शन को शो करने के लिए, किसी भी वर्क को शो करने के लिए, किसी भी कंडीशन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका बेटा? टाइम का, ओके। एंड वी हैव डिवाइडेड 3 पार्ट्स ऑफ टेंस। हम डिवाइड करते हैं किसको? टेंस को कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं बेटा? फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकेंड है पास्ट और थर्ड है फ्यूचर, ओके। एंड देयर आर द 4 सब पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। ये तीनों के तीनों जो आपके टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के टेंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वापस एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले स्टूडेंट्स को ये बताया था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे समझने की कोशिश की कि मैम टेंस, टेंस जो वर्ड है उसे ओरिजिनेट किसने किया था, ये टेंस लेकर कौन आया था, कैसे पता चला था कि इस टेंस को ओरिजिनेट किया गया। बेटा टेंस एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड था एक टेम्पस, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड था टेम्पस। उस टेम्पस का मीनिंग है टेंस, ठीक है। उस टेम्पस का मीनिंग हम टाइम से लेते हैं, और ब्रिटिश ने, ब्रिटिशर्स जो थे हमारे, उन्होंने इस टाइम को अपने अकॉर्डिंग रिनोवेट किया, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया, और जिसका यूज़ किया गया एज अ टेंस की तरह। किसकी तरह? टेंस की तरह। फिर से क्लियर कर देती हूँ, टेंस इज़ अ वर्ड विच इज़ ओरिजिनेटेड बाय द लैटिन लैंग्वेज। टेंस एक ऐसा वर्ड है जिसका, जिसको ओरिजिनेट किया गया लैटिन लैंग्वेज में। जैसे हम कहते हैं ना कि इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हिंदी लैंग्वेज है, सेम एज द लैंग्वेज ऑफ लैटिन। टेंस इज अ वर्ड विच इज़ ओरिजिनेटेड बाय द लैटिन लैंग्वेज, दैट इज़ अ टेम्पस, ओके। एंड टेम्पस मीन्स दैट अ टाइम। टेम्पस को, टेम्पस का जो मीनिंग है उसे बताया गया है टाइम, एंड टाइम इज ओरिजिनेटेड एज अ टेंस, ओके बेटा। देयर आर द 4 पार्ट्स ऑफ द टेंस, 4 सब पार्ट्स ऑफ द ईच टेंस। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। नेक्स्ट वन इज पास्ट। प्रेजेंट के बेटा कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, सेम एज इट इज़। किसके पार्ट्स हैं? पास्ट के। पास्ट के कौन कौन से पार्ट्स हैं? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज फ्यूचर। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर। फ्यूचर के कौन कौन से पार्ट्स हैं? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेट्स स्टार्ट ऑफ द रिविजन। व्हाट डू यू मीन बाय टेंस? टेंस का मीनिंग क्या है? किससे रिलेट करते हो आप टेंस को? टेंस इज अ वर्ड विच इज ओरिजिनेटेड बाय द लैटिन लैंग्वेज टेम्पस। टेंस को ओरिजिनेट किया गया किस लैंग्वेज में? लैटिन लैंग्वेज में, जिसका, लैटिन लैंग्वेज में जिस वर्ड को बोला जाता था टेम्पस। और टेम्पस का मीनिंग होता है टाइम, एंड टाइम इज अ वर्ड विच इज अडॉप्ट बाय ब्रिटिश। टाइम को टेंस के वर्ड में और लिया गया, अडॉप्ट किया गया किसके थ्रू? ब्रिटिश के थ्रू, ओके बेटा। टेंस को आप डिफाइन कैसे करोगे? टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। टेंस क्या है?
Tense is that form of a verb which shows the time and state of an action and an event. How many types of the tense? There are the three types of the tense. First one is present, second past, and last one is future. First one is present, second one past, and last one is future. Okay beta, there are four subparts of each tense. Total four subparts hain kiske? Tense ke. First one is simple present, second one present continuous, third one present perfect, and last one is present perfect continuous. Okay, this is the four parts of only present tense, same as the part of past tense. ऐसे ही पार्ट हैं किसके? पास्ट के. कौन कौन से हैं? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड आफ्टर दैट दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ टेंस फ्यूचर. फ्यूचर के भी फोर पार्ट्स हैं बेटा. फर्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. बिफोर मेकिंग कमांड ऑफ टेंस, आप अगर टेंस पे कमांड रखना चाहते हैं तो उस कमांड से पहले वी शुड हैव कमांड ऑन वर्ब. हमें क्या करना होगा बेटा? वर्ब पर अपनी कमांड रखनी होगी. हमें ये देखना होगा कि टेंस को अगर समझना है तो सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए हमें वर्ब की, कि किस किस टाइप की कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिसका यूज़ किया जाता है, वो कौन सी वर्ब्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, वी फर्स्ट बेटा, वी फर्स्ट का मीनिंग हो गया जैसे कि गो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म. गोज कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म. परचेज कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म. परचेजेस कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म. ओके, मींस फर्स्ट आपकी ये फॉर्म हो गई. सेकंड वन इज गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट. वेंट कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म. परचेज्ड कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म. बॉट कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म. लाफ्ड कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म. ओके, गो की थर्ड फॉर्म है क्या? गॉन. परचेज की थर्ड फॉर्म है क्या? परचेज्ड. गो की फोर्थ फॉर्म है क्या बेटा? गोइंग, GOING, गोइंग. एंड गो की परचेज की फोर्थ फॉर्म क्या है बेटा? परचेजिंग. परचेज की फोर्थ फॉर्म क्या है बेटा? परचेजिंग. इससे एक चीज़ क्लियर हो गई आपको कि फर्स्ट फॉर्म जो आपकी पॉजिटिव फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म है गो, गोज. वर्ब के साथ अगर एस और ई एस लग जाता है तो भी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मानी जाती है. सेकंड फॉर्म जिसे हमने यूज़ किया सेम एज थर्ड फॉर्म, ये है बेटा गॉन, परचेज्ड, गो वेंट गॉन, कम केम कम, बाय बॉट बॉट, परचेज्ड गॉन, सेम एज अ यूज ऑफ बॉट, दीज आर द थर्ड फॉर्म. ओके बेटा, गोइंग, परचेजिंग, कमिंग, लाफिंग, जिस भी वर्ब के लास्ट में आईएनजी लग जाता है वो कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म. वो कौन सी फॉर्म होती है बेटा? थर्ड फॉर्म. नाउ लेट्स मूव ऑन. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. बेटा मैंने अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट फॉर्म है, एक चीज़ अच्छे से समझिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ अप्लाई होगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम अप्लाई करेंगे ओनली कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. ध्यान रखना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ अप्लाई होगी? कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने आपको बता दी कि कौन सी होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म. वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी बेटा कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ की जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म. थर्ड फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताई, गॉन, परचेज्ड, लाफ्ड, कम, कम केम कम कम, ओके, बिकम, बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म कौन सी हो गई? बिकम. थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी हमेशा परफेक्ट में. किस में होगी? परफेक्ट में. मैं आपको वापस बता देती हूँ बेटा, फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी. फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? जिस वर्ब के लास्ट में आई एन जी लगे वो कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म. ठीक है, फोर्थ फॉर्म हमेशा यूज़ की जाएगी प्रेजेंट, हमेशा कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. ये मत सोचना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाए, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस में आपको हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है. ठीक है, और परफेक्ट के सेंटेंस में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, ऐसे सेंटेंसेस में आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी है, ये मत भूलना. ठीक है, और प्रेजेंट में फिर कौन सी अप्लाई होगी?
बेटा प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में आप हमेशा कौन सी वर्ब अप्लाई करेंगे? वर्ब की फर्स्ट।